डियर स्टूडेंट्स, मैं दुलाल चंदास स्वागत करता हूं आप सभी का। बच्चों, हम लोग क्लास फाइव का मैथ को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये क्लास फाइव का मैथ है, चैप्टर फोर एक्सरसाइज 14 है और इसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। बच्चों, इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई दिया हुआ है, यहाँ पे वन नंबर में मल्टीप्लाई द फ्लोइंग, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया है। और इसको नॉर्मली जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वैसे नहीं करना है, इसको इजी वे में करना है। तो इसको करने के लिए जहाँ पे आप देख रहे हैं ये इतना बड़ा नंबर दिया हुआ है बाय 100, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तब इस तरह का कोई भी नंबर रहेगा तो वो बहुत ही आसानी से मल्टीप्लाई हो जाता है। उसमें क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर जो मल्टीप्लाई दिया हुआ है तो इसको जो नंबर दिया हुआ है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उतना ही हो जाएगा, और उसमें 00 आया हुआ है तो इस पे आके 00 वो बैठ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसको मल्टीप्लाई करने पर इसका आंसर क्या आएगा, ये जो नंबर दिया हुआ है ये बिल्कुल सेम टू सेम आ जाएगा 637, और ये 20 जो है यहाँ पर आके इसके साथ बैठ जाएगा। यही इसका आंसर हो गया, आसानी से ये कम्प्लीट हो गया। और उसी तरह से ये भी वैसा ही होगा, बिल्कुल उसी तरह से है, इसमें 100 था और इसमें 1000 है। तो ठीक, ये नंबर हम ले लेते हैं पहले 3069 और उस पर 1 2 3 3 0 यहाँ पे बैठा देते हैं, ये हो गया कंप्लीट, ये इसका आंसर हो गया। और इसके साथ क्या होगा, इसको जो है 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद 20 इस पर बैठा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 489, ये हो गया। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया, और इस पर 20 जो है यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको इस पर बैठा देते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 96512, उस पर 20 लगा दिए, ये हो गया कंप्लीट, ये इसका आंसर हो गया, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ठीक उसी तरह से इसमें भी दिया हुआ है, तो फाइंड द प्रोडक्ट इन ईच केस। प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई का जो आंसर आता है उसको प्रोडक्ट बोला जाता है। तो इसको मल्टीप्लाई करना है और इसका आंसर लाना है। तो आप लोग इस बात को यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर इतना बड़ा नंबर दिया हुआ है और इसके साथ दिया हुआ है 0, तो इसका मतलब है कि 0 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है। आप लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे होंगे, 3 क्लास 4 क्लास में पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं और ध्यान में नहीं है तो आप इस बात को जान लीजिए कि किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, मतलब है कि इसका आंसर क्या आएगा, 0, ये आंसर हो गया इसका। और किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर खुद आएगा, तो इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये नंबर ही रहेगा, तो मतलब यही इसका आंसर हो जाएगा 8965329, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये हो गया कंप्लीट। अब सी नंबर में 10 से दिया हुआ है, तो अभी जैसे हम लोग बनाए थे कि अगर 100 दिया हुआ है 1000 दिया हुआ है तो जितना 0 उस पर है उतना ही 0 इस पर आके लग जाएगा, तो यहाँ पे 1 0 है तो यही नंबर लिख लेते हैं 1 2 3 0 5 6 पे 1 0 आके लग जाएगा, क्योंकि इस पर 1 0 है, तो ये हो गया इसका आंसर, ये कम्प्लीट हो गया, ये काफ़ी आसान है। और उसी तरह से क्वेश्चन नंबर डी में दिया हुआ है, यहाँ पे 100, अगर 100 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 ही रहेगा, और फिर 100 पे 20 लगा हुआ है तो ये नंबर पहले लिखेंगे और उस पे 20 लगा देंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 4157570, ये पहले से ये नंबर है और उस पे हम 20 लगा देंगे, ये 20 लग गया, ये इसका आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया। अब ई नंबर में, ई नंबर में आप देख रहे हैं ये इतना बड़ा बड़ा नंबर दिया हुआ है लेकिन बीच में 0 है, और चाहे जितना भी बड़ा नंबर रहे और उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 0 आएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 0, ये इसका आंसर हो गया। और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है 0 0 करके दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो पता चल जाएगा, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 19, और ये 1984 हो गया, तो उस पर 30 लगा देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, तो 1984 इस पे आ गया 30 1 2 3, ये इसका हो गया आंसर, ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे, तो यहाँ पे सारा अगर मल्टीप्लाई मैं बना के अगर आप लोगों को दिखाऊं तो काफ़ी समय लग जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई बनाने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए मैं आप लोगों को कुछ मल्टीप्लाई बना के दिखाऊँगा जिससे कि आप लोगों को पता चल जाए किस प्रकार से मल्टीप्लाई होता है, और कुछ जो है ऑलरेडी मैंने बना के छोड़ दिया है कि वो इस तरह से बनेगा, तो इसको मैं बना के दिखा देता हूँ, और ये यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है, इसका आंसर ये है। तो यहाँ पे इसको ध्यान में देना है कि ये नंबर सेंटेंस मतलब इसको वर्ड में भी लिखना है, तो इसको बना लेते हैं हम लोग, 9 8 जा 72 हो गया, 72 तो 2 हो गया और 7 बचा हुआ है, 8 2 जा 16 16 और 7, तो 16 4 20 हो गया, और 3 23 23 का 3 हो गया और बचा हुआ है हाथ में 2, 8 6 जा 48 48 और 2 बचा हुआ है यहाँ पर, तो 2 48 और 2 50 हो गया, तो 0, 5 बचा हुआ है, अब 8 5 जा 40 हो गया, 40 और 5 45
45, तो 4 बचा हुआ है, 8 2 जा 16 और 4 20, 20 अब 2 बचा हुआ है, 8 4 जा 32, 32 और 2 34, ये हो गया कंप्लीट। अब इसको हम लोगों को लिखना होगा वर्ड में, तो हम लोग लिख लेते हैं इसको वर्ड में। तो सबसे पहले इसको काउंट करते हैं, 1 टेंस 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख 34 लाख, इसको लिख लेते हैं 34,05,032, ये कंप्लीट हो गया। अब इसको लिख लेते हैं 1 टेंस 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख, इसका मतलब हो गया 65 लाख, 72,000, 65 लाख, 65,72,205, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है और इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ऑलरेडी मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि सारा मल्टीप्लाई बना के मैं नहीं दिखा पाऊंगा, उसमें बहुत समय लगेगा, और इसको मैं करके आपको बताता हूँ, क्योंकि इसमें जीरो दिया हुआ है, बच्चों को जीरो वाला मल्टीप्लाई जो होता है उसमें प्रॉब्लम होता है, तो इसको मैं करके बताता हूँ। 7 7 49 हो गया, तो 9 हो गया, अब 4 बचा हुआ है, इसको थोड़ा लिख लेते हैं बगल में, अदरवाइज गलती होने की संभावना है। तो 7 7 49 हो गया, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 और 4 को जोड़ेंगे तो 4 आ गया, अब हाथ में कुछ भी नहीं बचा हुआ है। 9 7 जा 63, तो ये 3 हो गया, 6 बचा हुआ है, ये 6 और 8 7 जा 56, 56 और 6 तो हो गया 60 और 2 62, तो 2 हो गया, अब 6 अभी भी बचा हुआ है। 7 7 जा 49 हो गया, 49 और 6 50 और 5 55 हो गया, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 55, ये हो गया कंप्लीट। अब एक क्रॉस लगाएंगे और 2 से, 7 2 जा 14 हो गया, अब 1 बचा हुआ है, 7 2 जा 14 और ये 0 हो गया, तो ये 1 यहाँ आ गया। 9 2 जा 18, 8 1 बचा हुआ है, 8 2 जा 16 और 1 17 हो गया, अभी भी 1 बचा हुआ है, 7 2 जा 14, 14 और 1 15 हो गया, तो यहाँ पे 15। अब इसको करेंगे प्लस, तो ऑलरेडी आप लोग जानते ही हैं 9, लेकिन क्या होता है बड़ा मल्टीप्लाई बनाने में अक्सर गलतियाँ होती हैं, इसीलिए एक दो मैं बनाकर दिखा दे रहा हूँ। 9 हो गया, 4 4 8 हो गया, 3 1 4 8 2 10 0 हो गया, और 5 7 12 हो गया, और 1 13 हो गया, 13 1 बचा हुआ है, 5 5 10 और 1 11 हो गया, अभी भी 1 बचा हुआ है, ये 2 हो गया, ये इसका आंसर हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने ऑलरेडी बना दिया है, आप लोग इसको देखकर आराम से बना सकते हैं, या फिर बेहतर हो कि आप लोग इसको खुद मल्टीप्लाई करें। तो मैं आप लोगों को 8 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें जो मैंने दिखाया उसमें 2 डिजिट का मल्टीप्लाई था, और इसमें 3 डिजिट का है, 1 2 3, तो 3 डिजिट का भी मल्टीप्लाई इजीली बनाया जा सकता है, उसमें गलती नहीं होगा, तो मैं इसलिए बनाकर दिखाता हूँ। 6 3 जा 18 हो गया, तो 18 का 8 18 1 बच गया, 5 3 जा 15 और 1 16 हो गया, फिर 1 बचा हुआ है, 4 3 जा 12 और 1 13 हो गया, अभी भी 1 बचा हुआ है, 3 3 जा 9 और 10 0, फिर 1 बचा हुआ है, 3 2 जा 6 और 1 7 हो गया, 7 अब यहाँ पे एक क्रॉस लगेगा, 7 6 जा 42 42 2 हो गया, अब 4 बचा हुआ है, 7 5 जा 35 35 और 4 39 हो गया, तो 9 है और यहाँ पे बचा हुआ है 3, और यहाँ पे 7 4 जा 28 और 3 28 31 हो गया, 31 का 1 और 3 बचा हुआ है, तो 7 3 जा 21 और 3 24 24 4 हो गया और 2 बचा हुआ है, 7 2 जा 14 हो गया, 14 15 16, तो ये 16 आ गया। अब 1 रहने का एक फ़ायदा है, 1 रहने से क्या मल्टीप्लाई 1 से किसी को करते हैं तो वही नंबर रहता है, तो यहाँ 2 क्रॉस लगा देते हैं, और यहाँ पे ऊपर में जितने भी नंबर है उसी को लिख देते हैं, 6 5 4 3 और 2, ये हो गया। अब इसको हम करेंगे ऐड, प्लस कर देंगे, 8 फिर 8 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 6 9 6 15 हो गया, 16 17 18 हो गया, 15 और 3 18 हो गया, तो 18 के 8 1 बचा हुआ है, 5 और 1 6 हो गया, 1 7 हो गया, 4 4 8 हो गया, और 7 15 हो गया, 15 के 5 और 1 बचा हुआ है, 6 और 3 9 हो गया, 9 और 1 10, 10 के 0 हाथ में 1 बचा हुआ है, 2 और 1 3 और 1 4, ये हो गया कंप्लीट, ये इसका आंसर हो गया। और फिर 9 नंबर में जो है, तो 9 नंबर का ऑलरेडी मैंने बना दिया है, यहाँ पे आप लोग देखकर इसको बना सकते हैं, ये पहले से ही बना हुआ है,
तो इसके बाद 9, 10 नंबर का भी बना हुआ है, तो हम लोग 11 नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में भी ऑलरेडी बना हुआ है, ये पहले से बना दिया है, और लेकिन 12 नंबर में है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है, और यहाँ पे 2300 दिया हुआ है, 2300, तो मैंने 23 से इसको मल्टीप्लाई करके छोड़ दिया है, तो इसका आंसर ये आया है, लेकिन ये इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि ये 20 जो लगा हुआ है, ठीक इस पर हम 20 अगर लगा देते हैं तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको जो लिखा हुआ है ठीक उसी को लिख देते हैं, 337 और ये 20 इस पर लगा दिए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये कंप्लीट हो गया। और 13, आप 13 देख रहे हैं, 13 में क्या है, यहाँ पे फोर डिजिट का मल्टीप्लाई ये दिया हुआ है, तो इसको बनाने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो इसीलिए मैं इसको खाली रखा हुआ ताकि मैं आप लोगों को बनाकर दिखा दूँ। तो ध्यान से आप लोग देखेंगे, 9 3 जा 27 हो गया, 2 बच गया, 2 इसको जो है कूल माइंड से बनाना है, इतने बड़े बड़े जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आपको धैर्यपूर्वक बनाना पड़ता है, अदरवाइज गलतियाँ होने की पूरी संभावना है। 27 हो गया, 9 2 जा 18 और 2 20 हो गया, तो 0 अभी भी 2 बचा हुआ है, 9 2 जा 18 हो गया और फिर 2 19 20 फिर 0 फिर 2 बचा हुआ है और 9 1 जा 9 9 2 11, तो ये हो गया 11, ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ 0 होने का और एक फ़ायदा है, 1 रहने से भी ये सिंपल जो ये नंबर रहता है वही नंबर आ जाता है, 0 रहने से सारा 0 आ जाता है, तो यहाँ पे हम एक क्रॉस डाल के और 4 0 ले लेंगे क्योंकि 4 डिजिट का है ये, 1 2 3 4, एक कंप्लीट हो गया। अब इसको 8 का चलेंगे हम लोग, तो इसमें हम लोग 2 क्रॉस लगाएंगे, अब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 जा 24, तो 4 हो गया 24, तो 2 बचा हुआ है, तो 8 2 जा 16 17 18 18, तो 8 हो गया, अब बचा हुआ है 1, तो 8 2 जा 16 अभी भी आया, 16 और 1 17 हो गया, तो 17 का 7 लिखेंगे, 1 बचा हुआ है, और 8 1 जा 8 8 और 1 9 हो गया, ये हो गया कंप्लीट 8 का। अब हम लोग 3 क्रॉस लगाएंगे, 1 2 3, अब यहाँ पे हम लोग 3 से चलेंगे, 3 3 जा 9 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, फिर 3 2 जा 6 हो गया और 3 1 जा 3, अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे, 7 0 और 4 8 1 9 और 9 18 हो गया, तो 1 बचा हुआ है, तो यहाँ पे 6 1 7 और 7 14 और 1 15 1 बचा हुआ है, यहाँ भी 15 हो रहा है और 1 16 हो जाएगा, और 3 और 1 4, ये हो गया इसका आंसर, ये कंप्लीट हो गया। इस तरह से 4 डिजिट का इजीली हम लोग बना सकते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 जो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, फिर भी मैंने इसे बना दिया है यहाँ पे, और आपको 14 कंप्लीट कर दिया है, 15 कंप्लीट कर दिया है, 14 को मैं फ्रेश रूप में दिखा देता हूँ, ये 14 का ये है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये 14 का बना हुआ है, आप इसको यहाँ से बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे 16 में, आइए हम लोग 16 में चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 और 16 को ऑलरेडी मैंने बना दिया है, यहाँ पे आप इसको देखकर बना सकते हैं। 17 एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको यहाँ पे बना के दिखाना होगा, 17 यहाँ पे पढ़कर देख सकते हैं, इसको पहले क्या लिखा हुआ है, यूजिंग ये जो नंबर दिया हुआ है मल्टीप्लाई इतना नंबर इक्वल टू इतना, इसको मल्टीप्लाई करने पर इतना नंबर आता है, इसको यूज करते हुए यहाँ नीचे में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको बनाना है, तो इसको हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे 2 क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है, फिर एक क्वेश्चन हम लोग बाद में लिख लेंगे, तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और इसको बनाना शुरू करते हैं, तो इसके अनुसार से बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये 46 है और ये 299, यहाँ पे ऑलरेडी जिस तरह से यहाँ आया हुआ है, अगर आप बनाते हैं और उसमें उतना आता है तो आपको मदद मिलेगा, क्या मदद मिलेगा, यहाँ पे ऑलरेडी मल्टीप्लाई क्या हुआ है तो ये नंबर आपको मदद मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 46 लाने के लिए इसको इसके इक्वल लाना, तो हम लोग इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप मदद ले सकते हैं, 3 2 9 4 6, यहाँ पे हम 6 लेते हैं और प्लस 1 कर देते हैं, इसको प्लस 1 कर देते हैं, तो 47 का वैल्यू के बराबर हो गया, और इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, मल्टीप्लाई 299, ये हो गया। अब ये जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 32946 इंटू 299, ये हो गया प्लस है, तो ये प्लस आ गया, उसके बाद 1 इंटू 299, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑलरेडी ये जो मल्टीप्लाई करना है हमको, ये तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, देख रहे हैं इसका वैल्यू ये है, तो इसको हम यहाँ पे बैठा सकते हैं, 9 8 9 8 5 0 8 5 4, ये हो गया, और इसको मल्टीप्लाई अगर 1 से करते हैं तो ये उतना ही रहेगा, 299, तो प्लस लिखते हैं और 299, ये हो गया। अगर इसको हम जोड़ते हैं
तो ये इतना आ जाएगा 9851511533 और ये इसका आंसर हो जाएगा। ये कंप्लीट हो गया। और उसी तरह से इसको भी हम लोग बी नंबर का ठीक उसी तरह से बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ 46 दिया हुआ है लेकिन यहाँ दिया हुआ है 99 के जगह पे 98 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग इसके इक्वल कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग तोड़ देते हैं, इसको सेम रखते हैं 946 इंटू 299 अगर हम माइनस वन लगाते हैं तो क्या होता है, इसके इक्वल आ जाता है ये। तो इसको जो है हम लोग ब्रैकेट में ले लेते हैं। अब ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं 32946 और इंटू 299 और माइनस हो जाएगा 1 इंटू 32946 ये हो गया। तो इसका वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम लोग इसको जो वैल्यू दिया हुआ है उसको इजीली लिख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है तो वो लिख लेते हैं 9850 8854 फिर माइनस करते हैं और माइनस वन से मल्टीप्लाई करने पर सेम यही नंबर आएगा 32946 और इसका इक्वल क्या हो जाएगा, इसको जब माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 9817908 ये इसका आंसर हो गया। ये कंप्लीट हो गया। अब जो है क्वेश्चन नंबर सी, ये क्वेश्चन नंबर सी हो गया और यहाँ पे इसमें आप देख रहे हैं ये जो है नंबर यहाँ पे 46 था और यहाँ पे अब ये 45 हो गया है, तो इसको हमको तोड़ना होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 32946 और इसको माइनस वन कर देते हैं तो इसके वैल्यू के बराबर हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं इंटू 299 ये हो गया। अब ये जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 32946 मल्टीप्लाई 299 माइनस 1 इंटू 299 ये हो गया। तो ऑलरेडी हम लोगों को इसका वैल्यू मिला हुआ, तो उसके वैल्यू को लिख लेते हैं 9850854 और इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 299 आएगा 299 ये हो गया। अब इसका आंसर आ जाएगा 9850505555 ये इसका आंसर हो गया। ये कंप्लीट हो गया इस तरह का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में चलेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में आ चुके हैं और यहाँ पे फिल इन द बॉक्सेस, यहाँ पे जो बॉक्सेस बना हुआ है इसमें कौन सा नंबर आएगा ये भरने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिया हुआ है और कहीं कहीं पे गैप किया हुआ है, तो यहाँ पे 4 दिया हुआ है। अब 9 का कौन सा टेबल पढ़ के हमको 4 यहाँ पे लाना है, 9 6 54 हो रहा है तो उसमें आ रहा है। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं कि 6 है, अगर एक दो स्टेप मिल जाता है तो इसका मतलब है कि वो वही नंबर होगा, तो हमको पूरा देखने की आवश्यकता नहीं है। 2-3 स्टेप तक अगर आ जाता है तो आप समझ लीजिए कि वही नंबर है। तो मान लेते हैं कि अभी यहाँ 6 है तो 9 6 हो गया 54 हो गया, तो 4 हो गया यहाँ पे और बचा हुआ है 5। उसके बाद यहाँ से लेते हैं 6 2 जा 12 हो गया, 12 और 5 17 हो गया, तो 17 का 7 हो गया। अब 1 बचा हुआ है तो अब यहाँ पे बिल्कुल मिल रहा है, 1 बचा हुआ है 1 ले लेते हैं और फिर 5 6 जा 30 हो गया, 30 और 1 31 हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 हो जाएगा और हाथ में 3 बच जाएगा, तो 9 6 जा फिर 54 हो जा रहा है, 54 और 3 57 हो जाएगा, फिर 7 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये यहाँ पे 6 होगा, तो यहाँ पे 6 पहले भर देते हैं, ये 6 ये लाइन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 70 इसमें मतलब यहाँ पे 2 लाना है, तो 9 का टेबल पढ़ के हमको 2 लाना है, तो यहाँ पे 9 7 63 होता है और 9 8 72 होता है, तो 8 होने की संभावना यहाँ है। तो एक दो स्टेप देख लेते हैं, अगर ये स्टेप मिल जाता है तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे 8 होगा, नहीं 8 है, 9 8 72 हो गया, तो 72 का 2 हो गया और 7 बचा हुआ है। यहाँ पे 8 है, 8 2 16 हो गया और 7 बचा हुआ है यहाँ पे 16 और 7 तो 23 हो गया, 23 तो यहाँ 3 मिल रहा है, इसका मतलब 2 बच जाएगा और इसका मतलब है कि यहाँ पे 8 होगा, तो 8 यहाँ पे डाल देते हैं और इसके अनुसार से यहाँ पे भर जाएगा फिर। तो अगर 6 है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3 ये हो गया। और अगर 8 है तो यहाँ पे 23 और यहाँ पे आ जाएगा 2 आ गया और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो इसको ऐड कर लेंगे 4 हो गया,
सेवन टू नाइन हो गया, थ्री वन फोर और सेवन टू नाइन, और फिर यहाँ पे नाइन हो गया और ये थ्री हो गया और यहाँ पे भी थ्री हो जाएगा। ये हो गया कंप्लीट, इस तरह से भर जाएगा। ज़्यादातर बच्चे इसको बनाने से डरते हैं और ज़्यादातर वो गलती भी करते हैं, क्योंकि वो डरते हैं इसलिए वो गलती करते हैं। तो सिंपल सा तरीका यह है कि अगर एक दो ठो मिल रहा है तो बिल्कुल वही नंबर होगा। जैसे यहाँ पे एट का टेबल हमको पढ़ना है और एट लाना है, तो एट का टेबल पढ़ने से कौन से नंबर में एट आता है, तो एट का एट सिक्स जा 48 होता है, एट फाइव जा 40 होता है और एट सिक्स जा 48 होता है। तो सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे सिक्स है, एट सिक्स जा तो 48 हो गया, तो कितना बच गया, फोर बच गया। अब यहाँ पे सिक्स है, अब सेवन सिक्स जा 42 हो रहा है, 42 और फोर 46 हो रहा है, तो यहाँ पे सिक्स है, इसका मतलब है कि यहाँ पे ये दोनों मिल रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे सिक्स होगा, ये सिक्स हो गया, तो सिक्स का जो नंबर आएगा ये इसमें आ जाएगा। और यहाँ पे यहाँ सिक्स दिया हुआ है, यहाँ पे जीरो आएगा, जीरो आएगा, और यहाँ जीरो आएगा, यहाँ भी जीरो आएगा, और यहाँ पे सिक्स है और यहाँ पे फाइव है, तो एट का टेबल पढ़ के हमको सिक्स लाना है, तो एट टू जा 16 होता है, टू से जो है पढ़ेंगे हम लोग तो और एक नंबर आता है 56, तो 87 जो 56 होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ज़्यादा नंबर रहेगा तो ज़्यादा बड़ा नंबर रहेगा, तो यहाँ पे ये जो है ये फोर फाइव डिजिट में आ रहा है, इसका मतलब है कि ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं होगा इसका, तो टू बार में इसका मतलब है कि होना चाहिए। तो सपोज मान लेते हैं यहाँ पे टू है, तो एट टू जा 16 हो गया, वन बचा हुआ है वन, और सेवन टू जा 14 हो गया, 14 और वन 15 हो गया, 15 के फाइव, तो यहाँ पे मिल रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे टू होगा, तो यहाँ टू भर देते हैं। अब यहाँ पे सिक्स रहने से यहाँ पे नंबर आ जाएगा 86 हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा जीरो, और यहाँ पे आ जाएगा सेवन। अब यहाँ पे टू रहने से यहाँ पे आ जाएगा थ्री, और वन जब रहता है, वन मल्टीप्लाई जब होता है, तो ये जो जो भी नंबर यहाँ दिया हुआ है वही नंबर यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं एट हो गया, सेवन हो गया, सिक्स हो गया, और ये फोर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये फाइव यहाँ आएगा, ये हो गया। अब इसको कर देते हैं प्लस, तो एट हो गया यहाँ पे, सिक्स सिक्स ट्वेल्व टू, और यहाँ पे ये कंप्लीट होते हुए यहाँ पे थर्टीन हो गया, थर्टीन और वन फोर्टीन हो गया, वन बच गया, सेवन सेवन फिर फोर्टीन हो गया, फोर्टीन और वन फिफ्टीन हो गया, फिर वन बच गया है, और सेवन सेवन फोर्टीन और वन फिफ्टीन, फिर वन बचा हुआ है, और यहाँ पे फाइव और टू सेवन हो गया, यहाँ सिक्सटीन हो गया, सिक्सटीन और वन सेवनटीन, और फिर वन बचा हुआ है, इसका मतलब फोर वन फाइव, ये हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये इसका आंसर हो गया। और इस तरह से आप लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 14 पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो से मदद मिल रहा है तो आप लोग हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नेक्स्ट एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।